सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया के 5 सबसे खतरनाक शहरों के बारे में। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये रैंकिंग अपराध के आंकड़ों और राजनीतिक स्थिरता पर आधारित है। ये शहर अपनी उच्च अपराध दर के लिए जाने जाते हैं और पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए काफी जोखिम भरे हो सकते हैं। इसलिए यदि आप एशिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इन शहरों से अवगत होना महत्वपूर्ण है। सूची में सबसे पहले स्थान पर पाकिस्तान का कराची है। यह शहर सामूहिक हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवादी हमलों के लिए जाना जाता है। इस शहर में हत्या की दर बहुत अधिक है और यह चोरी और डकैती जैसे सड़क अपराधों से भी ग्रस्त है। यदि आप यहाँ यात्रा कर रहे हैं तो सतर्क रहना और कुछ क्षेत्रों से बचना महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिलीपींस में मनीला है। इस शहर में जेब तराशी, किडनैपिंग और चोरी सहित सड़क अपराध की दर बहुत ज्यादा है। यह बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के व्यापार के लिए कुख्यात है। शहर की उच्च गरीबी दर और गिरोह की गतिविधि इसकी खतरनाक प्रतिष्ठा में योगदान करती है। पर्यटकों को अक्सर जेब कतरों और लुटेरों द्वारा निशाना बनाया जाता है, इसलिए यहाँ यात्रा करते समय सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। हमारी सूची में तीसरे स्थान पर काबुल अफगानिस्तान है। यह एक युद्ध ग्रस्त शहर है जो दशकों से संघर्ष से ग्रस्त है। शहर में आतंकवाद, किडनैपिंग और हिंसक अपराध का खतरा बहुत ज्यादा है, जिससे यह एशिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन गया है। यह पर्यटकों या स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ यात्रा करने से पूरी तरह बचना ही बेहतर है। चौथा हमारे पास बांग्लादेश में ढाका है। यह अपने उच्च स्तर के भ्रष्टाचार, हिंसक अपराध, चोरी और डकैती सहित सड़क अपराध के उच्च स्तर के लिए कुख्यात है। शहर में हत्या की दर बहुत ज्यादा है और आतंकवादी हमलों का भी खतरा बना रहता है। इस शहर में रात में अकेले चलने से बचना और अच्छी रोशनी वाले क्षेत्रों में रहना महत्वपूर्ण है। और अंत में सूची में नंबर 5 पर इंडोनेशिया का जकार्ता है। यह शहर आतंकवाद, गिरोह हिंसा, सड़क अपराध, चोरी, डकैती, उच्च स्तर के भ्रष्टाचार और सामूहिक हिंसा के लिए जाना जाता है। हालांकि यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन इसमें घोटाले और पर्यटकों के खिलाफ हिंसा की दर भी बहुत अधिक है। इस शहर में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय सतर्क रहना और बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने से बचना महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। याद रखें कि इन स्थानों की यात्रा करते समय सावधान रहें और हमेशा अपने परिवेश के प्रति सचेत रहें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे बाकी वीडियो को भी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।